जनाजा को तकफीन के लिए अध्यक्ष गाजी अली रहमा की वजह के मामला भी है। लंबा जनाजा के बाद सफों के खड़े हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत होंगे। तो इस वक्त व्यूअर्स में मौजूद हूँ आपको अपडेट देने के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर, और यहाँ पर जो है उमर शरीफ साहब का जस्त खाकी लाया जा चुका है। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको यहाँ की तमाम मनाजिर आपके साथ शेयर करूँगा और मैं अंदर की तरफ जाऊँगा। कहीं नहीं जाइएगा और देखिएगा ये तमाम मनाजिर। एम्बुलेंस अबू सताते में दाखिल हो चुकी है, जहां पर उमर शरीफ साहब की मरहूम की तफहीम की जाएगी, और ये गाड़ी में आगे उनके बेटे जुनेद उमर बैठे हैं और पीछे की साइड पर वसीम बदामी साहब हैं। ये आपको उनके बेटे जुनेद उमर नज़र आ रहे होंगे। पब्लिक करंश यहाँ बेइंतहा है, मुख्तलिफ किस्म के शोबिन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं, फनकार और सियासी रहनुमा तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, और आवाम का एक रश है बेइंतहा। अभी अपील की जा रही है कि रास्ता दीजिए ताकि गाड़ी और आगे की तरफ की जाए। अल्लाह ताला मरहूम की मगफरत फरमाए और कब्र के जितने भी मराइल हैं उसमें आसानी पैदा करें, और इनके लवाइकिन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। ये उमर शरीफ साहब मरहूम के बड़े साहबजादे जुनेद उमर आगे बैठे हैं गाड़ी में, साहबजादे हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि जगह दे दें। अब मैयत को जो है एम्बुलेंस से निकाला जा रहा है। ताकि इनके आरामगाह की तरफ ले जाया जा सके। पब्लिक का रश अभी भी बहुत बेइंतहा ज़्यादा है और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जगह दें और इनके जो घर वाले हैं उनको अंदर आने दें। आ,
प्लीज रास्ता बना दीजिए, खुदा के लिए रास्ता बना दीजिए। अच्छा ये दावत इस्लाम में भाई उसी की गुजारिश के बाद इसकी मिल जाएगी। हम जो झंडी के लिए स्पेस ताकि मिलते हैं अगर कार्य किसी ने सो रही हो इससे पहले मैंने लाइव चलाई थी, आपको लाइव दिखाए थे मनाज़िर जो जब जस्टिस खाकी को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे लाया गया था वो मैंने आपको लाइव अपडेट दी थी। मैयत को निकाल के दादे की तरफ ले जाया जा रहा है और उसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे और जो उनके रिश्तेदार हैं जो करीबी लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं और वो तफ़ीम में शामिल होंगे, बाकी सब को बाहर रखा जाएगा। तो व्यूअर्स इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उमर शरीफ की मफ़रत फरमाए, इन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके लवाइकिन को सब्र जमील अता फरमाए और दुनिया में जितने मुसलमान इस दुनिया से वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मफ़रत फरमाए, आमीन। तो इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और पॉइंट पर।